फ्रेंड्स इसका बखिया ख़राब आ रहा है, आप पीछे देखो दाना आ रहा है बखिए में, ऐसा करके इससे सारा दाना दाना आ रहा है। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया है, आप भी इसकी टेंशन ऊपर नीचे करके देखने करो, ये 4 पे थी तो मैंने पहले 3 पे करके देखिए ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर अब मैंने इसको थोड़ा 5 की तरफ लेकर आई हूँ। अब मैं 5 पे करके चेक करती हूँ। दूसरी बार मैंने ये ब्रश से पूरा का पूरा साफ़ कर दिया इसके अंदर से, सो ताकि गंदगी निकल जाए, फंसा हुआ बुरे से धो सकते हैं। अब लास्ट काम मैं ये करूँगी, इस पूरे के रील निकाल कर दोबारा से इसको डालूँगी। दोबारा से धागा इस पर लपेट लिया मैंने एक ही बारी, एंड देन इसके पीछे से ले जाके अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ धागा। अब मैं देखती हूँ सिलाई करके। देखो फ्रेंड्स अब बखिया बिल्कुल ठीक हो गया दोनों तरफ से। तो यही है कि हमारी मशीन में ना कभी टेंशन ऊपर नीचे की गड़बड़ हो जाती है। मेरी पहले 4 पे बहुत अच्छी चलती थी, तो आप अपनी भी ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओ, कभी 4 पे कभी 3 पे कभी 5 पे करके देखो तो आपकी मशीन में इस वक्त क्या सूट कर रही है, फिर उसके हिसाब से अपनी टेंशन सेट कर लो। और अभी ये सही चल रहा है, मैं अभी रफली स्टिच कर रही हूँ, बाद में दोबारा आपको दिखाने के लिए। बस एक हाथ से वीडियो एक हाथ से ये बना रही हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन मेरी टेंशन ठीक हो गई है। इसका मतलब कि इसको टेंशन बोलते हैं, इसको ही टेंशन बोलते हैं, असली वाली टेंशन नहीं। इससे बखिया ठीक हो गया, पहले देखो कितना ख़राब आ रहा था, ये सारे आप देख सकते हो, ये दाना आ रहा था, इसमें दाना ठीक कर दिया हमने। यही दिक्कत होती है वाइट वाली कोई भी मशीन हो, कि पूरा धागा निकाल के दोबारा डालो, टेंशन को आगे पीछे करके देखो और मशीन को साफ़ कर लो ब्रश से, ब्रश साथ ही मिलता है तो हो जाएगा ठीक। अगर इतना करने से भी ठीक नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मशीन है उसकी सुई ठीक कर लीजिए, मतलब चेक कर लीजिए सुई में जो नीडल होती है नीडल वो खड़बड़ी तो नहीं है, अदरवाइज़ आप नीडल को चेंज कर लीजिए। वाइड वाली मशीन को चलाना इतना आसान है, इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है। और इस प्रॉब्लम के लिए भी आप सब कुछ बंद करके दोबारा उसमें धागा चढ़ाइए नीचे से भी ऊपर से भी, और हल्का सा क्लीन कर लीजिए सिंपल ब्रश से, और तब भी काम ना बने तो सुई चेंज कर लीजिए और ये टेंशन चेंज करके देख लीजिए, ठीक है। तो इतने में ही ठीक हो जाती है कोई भी मशीन हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।